कमिटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो नहीं बदलने वाले, वो नहीं बदलने वाले, वो चेंज नहीं होने वाले, और हम उन्हें आवाज लगाते चले जा रहे, लगाते थे, कोई उन्होंने नहीं बदलना, कर दो आप जो करना है। देखना यह है कि जो मजलूम है, जिस पर जुल्म हो रहा है, क्या वो भी बदलने के लिए तैयार है, क्या वो बदलने के लिए तैयार है। बहुत माजरत के साथ, मेरा गिला जो है वो वक्त के जालिमों से नहीं है, मेरा गिला वक्त के मजलूमों से है। वक्त का मजलूम नहीं बदल रहा, ये नहीं बदलेंगे जो हम पर जुल्म करने के, ये अपनी ये इन्होंने तो हम पर जुल्म करने के लिए अपनी नस्लों को तैयार कर रखा है भाई। बाप के बाप, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका बेटा, फिर आगे पता नहीं, अभी तो इन्होंने तो इतने कमिटेड, इतने प्लान है बाकायदा, इतने तैयार है, इतने कमिटेड है कि सिर्फ अपनी जिंदगी तक की प्लानिंग नहीं रखी हुई, इन्होंने तो अपनी अगली नस्लों तक की प्लानिंग रखी हुई कि भाई हम इसमें इतने कमिटेड है। लेकिन जिस पर जुल्म हो रहा है उसका भी इम्तिहान है इस दुनिया में, सिर्फ जालिम का इम्तिहान नहीं है, मजलूम का भी इम्तिहान है। अल्लाह ताला उसका भी तो हिसाब देगा, भाई रब के लिए क्या मुश्किल है। जो लोग आज हम पर जुल्म कर रहे हैं, सुबह सुबह सोकर ना उठ पाए, वो मसला है जो रब के लिए, अल्लाह के लिए वो मसला है। सुबह तो बड़ी देर की बात है, पलक झपकने की बात है, अगली सांस ना आए, तो रब को तो पता है जुल्म हो रहा, तो भाई रब के लिए क्या मसला है। लेकिन मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया चूंकि इम्तिहान बनाई है ना, इम्तिहान, मैं समझता हूं कि हमारा भी इम्तिहान है। हम अगर गटर मिला पानी पीकर मरकर जाएंगे, हम अगर लोड शेडिंग खामोशी से बर्दाश्त करके जाएंगे, तो क्या कब्र में वो फरिश्ता इंतजार कर रहा है कि भाई ये कराची साहब उतना मर के बड़ी परेशानी उठाकर जरा जन्नत की खिड़की खोलो इसके लिए, है जन्नत से जो है वो शरबत का गिलास लेकर खड़ा है कोई, खड़ा होगा कराची साहब मरकर यार बड़ी टेंशन की उधर वहां पे, ऐसा तो नहीं है, मेरा मानना ऐसा नहीं है। पर रब को पता होने के बावजूद अब अगर पूछ लेंगे कहां से आ रहे हो, कराची से, क्या हालात थे, जबकि रब को तो पता है सब कुछ, पीने का पानी घर में आता नहीं था, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं था, रात में बिजली नहीं, सुबह गैस नहीं, बाहर निकलो तो कचरे पे पैर पड़ता था, हम सड़कें टूटी हुई थी, अस्पताल जाओ तो दवा नहीं, स्कूल जाओ तो तालीम नहीं, जेब में पैसे अगर नहीं है तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जेब में पैसे नहीं तो बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, ये हालात थे, महंगाई का बम गिरा रहे थे, रोजगार नहीं, ये अगर हालात बताएंगे तो फिर हम सवाल कर ले अल्लाह ताला से, भाई फिर बंदे तूने क्या किया। हम गए हम रात में टॉक शो देखकर हुक्मरानों को गालियां बककर चौकों पर बैठकर बदवाएं देकर सो जाते थे, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा, फिर मुश्किलात में आ जाएंगे। मेरा ये मानना है, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई मुत्तकी परहेज़गार आदमी नहीं, आम सा 2+2=4 वाला आदमी हूं, मैं कॉमन सेंस वाला आदमी हूं। जब मैं ये सोचता हूं, जब ये देखता हूं, भाई ये सवाल हो जाए, रब अगर कहे हमसे, अल्लाह हमसे कहे उस वक्त कि बंदे ये जो कुछ जुल्म था तेरे ऊपर, ये मेरे लिए तो तेरे दौर के फिरौनों को मारना को मसला ही था, लेकिन मैं तो इंतजार ही करता रह गया कि ये मजदूर कोई कोशिश करे तो मैं मदद को आऊं, तूने तो कोशिश ही नहीं की, तेरे कोशिश ना करने की वजह से पीछे जुल्म और बढ़ गया, तू जरा सी कोशिश करता मैं तेरे वक्त के जालिमों को नेस्त नाबूद कर देता। तो दोस्तों, आप सब लोग लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, समझते हैं और लोगों से ज्यादा अच्छी बात, ये दुनिया अपने अपने हिस्से की कोशिश करने का नाम है। हम जो काम कर रहे हैं सियासत नहीं है, जिसको आम जुबान में सियासत कहते हैं, इसकी तशरीह आप जानते हैं, सियासत तो फ्रॉड का नाम कहते हैं पाकिस्तान, कोई धोखा दे रहा हो, कोई झूठ बोल रहा हो, कोई फ्रॉड कर रहा हो, उसके लिए यार सियासत ना करो मेरे साथ, तो सियासत तो फ्रॉड धोखे का दूसरा नाम सियासत पढ़ लो भाई। हम तो सीटों वाले मौजूद थे ना पहले, हमारे पास जो सीटें थी, एमपी रहे 19 साल पहले, वजीर रहे 18 साल पहले,
मेयर रहे 16 साल पहले, 12 साल पहले जो है वो सेंटर थे, आज भी जीती हुई सारी पार्टियां बुलाती है, सिर्फ मसला नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह जो है वहां पर जाकर चोरी में अपना हिस्सा, हमें अपना हिस्सा देने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो जो चोरी हो रही थी चोरी में हमें हिस्सा ना जाएगा। तो अगर यही करना था तो फिर ये हम तो ऑलरेडी उस जगह पे थे, तो अपने हिस्से की को, और मैं मेरा ये मानना है देखिए ये कैंडिडेट हैं यानी कि कल को ये एमएलए बनते हैं या कोई और बनता है, इनके सिर्फ एमएलए बन जाने से क्या हालात ठीक हो जाएंगे? तो एमएलए है पाकिस्तान में, कोई सीट खाली नहीं है, किसी के वजीर बनने से हालात ठीक हो जाएंगे? कभी सोचे कोई वजीर तो है, कोई भी वजारत खाली नहीं है, वजीर आजम किसी के बन जाने से हालात ठीक हो जाएंगे? वजीर आजम तो एक दिन के लिए सीट खाली नहीं है। हमारे 70 सालों में हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन कैंपेन चलती है उसमें जो वादे किए जाते हैं, होना ये चाहिए कि भाई एक इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन तक मसाइल में कमी आनी चाहिए। भाई आज अगर 10 मसले हैं तो अगले इलेक्शन तक उसमें कम से कम 2 तो हल हो, 8 रह जाए, नहीं अगले इलेक्शन तक ये 10 बढ़कर 13 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 25 साल पहले जो मसाइल नहीं थे आज हैं, हम जिस बातों को सोच भी नहीं सकते थे आज हैं वो, तो इलेक्शन तो हो रहे, वजारतें तो बट रही है, वजीर तो बन रहे हैं, वजीर आजम तो बन रहे हैं, मसले कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं। तो मेरा, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, मेरा ये रिजॉल्व है कि ये सिर्फ एमपी एमएलए बना लेने से आप और क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरा वाकया कुरान में लिखकर हम तक आप तक पहुंचा दी है बात कि बनी इसराइल के बच्चों को जब फिरौन ज़बह करे, फिरौन को बताया नजूमियों ने कि बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत खत्म करेगा, 100-200 नहीं हजारों में बच्चे ज़बह कर दिए। तो अल्लाह ने फिरौन को मारा क्यों नहीं पहले बच्चे के ज़बह करने पर, जमीन फटी और फिरौन धंस जाता, दूसरे बच्चे पे, तीसरे बच्चे पे, पूरा बनी इसराइल अपने सामने बच्चों को ज़बह होता देख रहा था और उस जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा था, अल्लाह ने मदद नहीं भेजी, फिरौन नहीं मारा, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा किया, बड़ा किया, जवान किया, कुरान है, नबूवत दे दी। अब नबूवत दे के पैगंबर को ये नहीं कह रहे कि अब आप पैगंबर बन गए, आप और आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम, अब दोनों पैगंबर जा रहे हैं, वहां पे नमाज पढ़े, आपकी नमाज खत्म होगी, पीछे फिरौन बराबर मिलेगा, ये रब ने नहीं बोला। रब ने बोला मूसा अलैहिस्सलाम को कि जाओ, जाकर फिरौन को आवाज लगा, तरीकेकार बताया कुरान में कि कैसे बात करनी है। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत है अल्लाह को ये करने की, क्या जरूरत है? मेरे रब को फिरौन मारने के लिए किसी मूसा अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं है, किसी हारून अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला मूसा जैसे पैगंबर से ये कोशिश करा के मुझे और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जब मूसा जैसे पैगंबर की मदद बिना कोशिश के नहीं हुई तो आप कौन हो, मैं कौन हूं? अब मूसा अलैहिस्सलाम से अच्छी दुआ कर सकते हैं, उसे अच्छी नमाज पढ़ सकते हैं? तो गए जाकर उसी फिरौन के आगे जाकर खड़े हुए, आवाज लगाई, वो फिरौन, वो बनी इसराइल जो के जो जो जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होते थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने वाले आहिस्ता आहिस्ता जुल्म सहने के बावजूद बनते चले गए और एक वक्त आ गया कि मजलूम ने अपनी कोशिश करके दिखा दी, अल्लाह का हुक्म आ गया, मदद आएगी अब, और ऐसी मदद आई कि समुद्र लोगों हुआ कि समुद्र जो है वो मूसा और उसके साथियों को रास्ता बना कर दे, समुद्र फट गया और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके उनके रुफका गुजर गए, उसी समुद्र को हुक्म हुआ कि फिरौन और उसके लश्कर को गर्क करें। अल्लाह ताला ने ये पूरा वाक्य अपनी किताब में लिखकर आका दो जहां सरवर कौन है खातम नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक और आप तक पहुंचाई है बात, हम तक और आप तक पहुंचाइए। तो भाई जब उनकी मदद बगैर कोशिश के नहीं हुई है तो रब तो क्या बनी इसराइल का रब कोई और था, हमारा रब कोई और है, उस वक्त की सुन्नत कोई और थी, आज की सुन्नत कोई और है? नहीं है, नहीं है, रब चेंज नहीं हुआ, रब की उसूल ये 18वीं तरमीम नहीं है।